इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि इनिशियल डिक्शनरी के सेट्स दिए हुए हैं जिसमें इंडेक्स नंबर एंड एंट्री वैल्यूज या एंट्रीज कैरेक्टर दिए हुए हैं और एल जेड डब्ल्यू इनकोडर का आउटपुट वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 10634513162911 16। इतनी सारी चीजें हमें दी हुई हैं। नाउ वी फाइंड द डिकोडेबल वैल्यू ऑफ एवर सीक्वेंस। सो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हेलो, नहीं अभी नहीं। देखिए कैसे शुरुआत करेंगे हैं आप। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए, दिस इज इंडेक्स और एंट्री पॉइंट दी हुई है और आउटपुट दिया हुआ है। नाउ वी वॉन्ट टू डीकोड, तो इसको डिकोड कैसे करना है? हियर इज द प्रोसेस। जो भी स्टेप्स हैं मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले आउटपुट स्ट्रीम से सबसे पहले हमने रीड सिक्स सिक्स को रीड किया, दिस वन फर्स्ट रीड सिक्स फ्रॉम इनपुट, लुक सिक्स एज आउटपुट। तो सबसे पहले हमारे पास आउटपुट में सिक्स था, इसको हमने रीड किया एंड सिक्स के करस्पॉन्डेंस कौन सा एंट्री था? देन टी। सिक्स के करस्पॉन्डेंस टी एंट्री है, सो हमने टी लिख लिया। और कोई एक राइट कैरेक्टर, कोई भी एक सिंबल हमने मान लिया, दैट इज ए डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर राइट। ठीक है, तो हमने एक एज्यूम कर लिया डब्ल्यू कोई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी जो हम आउटपुट में से इनटेक करेंगे या जो भी नंबर लेंगे उसके करस्पॉन्डेंस में क्या एंट्री है उसकी वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड सिंबल क्या था? थ्री था। देन वी रीड थ्री और थ्री के करस्पॉन्डेंस पे एंट्री पॉइंट क्या है? एच है। ठीक है, क्या है? ठीक एच है। तो जब एच है तो हमने क्या किया, डब्ल्यू हमारा अब एच से सेट हो गया। पहले हमारे पास टी था, देन अब क्या हो गया? टी एच। अगेन हमारे पास फोर, सिक्स थ्री पे काम हो गया, देन फोर, फोर के करस्पॉन्डेंस आई है, देन वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा? आई। और इससे पहले हमारे पास एच था तो एच आई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या रीड किया, फाइव, और फाइव के करस्पॉन्डेंस एस है तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? एस ए। अब देखो करना क्या है कि जैसे आप लोगों ने एल जेड 77 या एल जेड 78 पढ़ा था, तो वो चीज मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, उससे भी आप लोगों को हिंट लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आप लोगों को याद हो एल जेड 77 या एल जेड 78 में हमने क्या किया था, अगर वो सारी पुरानी चीजें याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा कि एल जेड 77 या एल जेड 78 में क्या हो रहा था। देखो ये वाला एग्जाम्पल हमने एल जेड 77 के लिए पढ़ा था, दिखाई दे रहा सबको स्क्रीन? यस सर, यस सर, इसमें हमने डिकोड करने के लिए पढ़ा था। इनकोडिंग या डिकोडिंग प्रोसेस जब हमने शुरू किया था तो हमने देखा कि देयर आर टू थिंग्स, और वो दो चीजें क्या क्या थी? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि दो चीजें हमने फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंड दैट वन इज अ सर्च बफर एंड अ लुक अहेड बफर। ठीक है, सर्च बफर, लुक अहेड बफर, और तीन चीजें होती हैं। द इनकोडर इनकोड्स थ्री थिंग्स, दैट इज अ ट्रिपलेट, ओ एल सी। ओ इज द ऑफसेट। व्हाट इज द ऑफसेट? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंटर फ्रॉम द लुक अहेड बफर इज कॉल्ड द ऑफसेट। एल इज द लेंथ ऑफ मैच, कितना मैच कर रहा है, एंड सी इज द कोड वर्ड करस्पॉन्डिंग टू द सिंबल इन द लुक अहेड बफर। तो AOLC ये ट्रिपलेट था हमारा जब LZ77 पढ़े थे, और उस केस में हमारे पास इनकोडिंग करने के लिए आया था तो सबसे पहले हमने ये ज्यूम किया था कि सपोज दैट
सर्च बफर साइज इज 7 एंड लुक अहेड बफर साइज इज 6। तो यहां पे लुक अहेड बफर, दिस वन इज अ लुक अहेड बफर, दिस वन इज अ सर्च बफर। तो लुक अहेड बफर में हमारे पास क्या था कि हम जो भी इनकोडेड करने के लिए सीक्वेंस दिया था उसमें से लेफ्ट के 6 कैरेक्टर हमने अपने लुक अहेड बफर में डाला था और उसके बाद LOC के फॉर्मेट में हमने इनकोडिंग करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर इनकोडिंग जब हम डिकोड कर रहे थे तो अगेन OLC ऑफसेट लेंथ एंड कैरेक्टर फॉर दैट इज सिमिलर, तो उसको भी हम इस तरीके के फॉर्मेट में डिकोड कर रहे थे। अब यही सारी प्रक्रिया हम अपने एग्जाम्पल में लगा रहे हैं, यही सारी चीजें हम अपने एग्जाम्पल में यूज कर रहे हैं। तो आ जाते हैं फिर से एग्जाम्पल में, दिस वन इज आवर एग्जाम्पल। सो जब हमने 5 रीड किया, रीड 5 फ्रॉम द इनपुट, लुकअप 5, सो आउटपुट इज एस, 5 के करस्पॉन्डेंस में एस। एड एंट्री 8 टू डिक्शनरी आई एस। आई एस कैसे होगा, बिकॉज लास्ट सिंबल आई था, न्यू सिंबल इज आई एस। और सेट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज एस, बिकॉज कि हमने 5 के करस्पॉन्डेंस में कौन सा मिला था, एस मिला था। अगेन 5 के बाद 1 मिला, रीड 1 फ्रॉम इनपुट, तो 1 में हमने जब रीड किया तो हमें मिला ए। 1 के करस्पॉन्डेंस में एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, ए है। सो हम डब्ल्यू को ए से सेट करेंगे और एंट्री डिक्शनरी क्या होगा, एस पुराना वाला और ए नया वाला, सो एस ए। अगेन वी रीड 3, सो रीड 3 फ्रॉम इनपुट, लुकअप 3 एंड 3 के करस्पॉन्डेंस एच है, सो एड एंट्री एच, डब्ल्यू किससे सेट होगा, एच से, और प्रीवियस में ए था सो हमारा डिक्शनरी में एंट्री एच हुआ और सेट किससे हुआ, एच से। सो 3 पे हो गया। अगेन 1 के साथ, 1 के साथ हमने जब रीड किया तो 1 के करस्पॉन्डेंस एंट्री पॉइंट क्या था, हमारा ए था, सो ए डब्ल्यू सेट, डब्ल्यू सेट हो जाएगा ए से, और इनिशियल प्रीवियस में क्या था, एच था, सो अगेन डिक्शनरी सेट हो जाएगी एच ए से और डब्ल्यू की वैल्यू ए हो जाएगी। फिर से 6 था, 6 के भी यही प्रोसेस करेंगे, 2 में भी यही करेंगे, 9 में भी यही करेंगे, 9 के बाद 11 में भी यही करेंगे। सो 11 और 16 में ये करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और ये सारी चीजें आने के बाद फाइनल डिकोडेबल हमारा 1 से लेकर के 16 तक, जैसे 1 के लिए एंट्री ए था, 2 के लिए बी था, 3 के लिए एच था, 4 के लिए आई था, और इस तरीके से सारी वैल्यू 1 से लेकर के 16 तक निकलती चली जाएगी और यही सारा हमारा ऊपर से नीचे तक सिक्वेंस फॉर्मेट में आ जाएगा। पीछे वाला स्टेप हाँ